दोस्तों आज हम YouTube Shorts मोनेटाइजेशन को लेकर के गुड न्यूज़ देने वाले हैं। दोस्तों 2023 में YouTube Shorts मोनेटाइज होंगे, इसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे नहीं चाहिए। दोस्तों YouTube Shorts मोनेटाइजेशन को लेकर के तीन अपडेट आई हुए हैं, तीनों अपडेट के बारे में आज बात करेंगे। उसकी जो फर्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पर क्रिएटर म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप बॉलीवुड गानों का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उसमें भी दो तरीके के ऑप्शन रहेंगे, एक तो आप सीधे ही पेमेंट करने के बाद में आप उस गाने का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में यूट्यूब के द्वारा आपको किसी तरह का कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो रहेगा रिमेनिंग शेयरिंग का, उसके द्वारा भी आप किसी भी बॉलीवुड गानों का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें लाइसेंस होल्डर जो कंपनियां रहती हैं वो उनका क्या है कि वह आपको जो भी म्यूज़िक प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका कितना रेवेन्यू वो लेंगे और कितना रेवेन्यू आपको मिलेगा। तो साथियों के द्वारा भी आपको कोई कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा और आप बॉलीवुड गानों का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर यूट्यूब शॉर्ट्स की सेकेंड अपडेट के बारे में बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे, उसको लेकर के बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लॉन्ग वीडियो में 365 दिन के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे करने होते हैं, और दोस्तों आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्टिक नहीं आनी चाहिए, ये सब होने के बाद में ही आप अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स में लास्ट 90 दिन के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 10 मिलियन व्यू आपको कंप्लीट करने हैं। साथियों आपका जो रेवेन्यू हो किस तरीके से मिलेगा, तो लॉन्ग वीडियो में दोस्तों आप जानते हैं कि 45% यूट्यूब के पास में रेवेन्यू जाता है और 55% क्रिएटर को जाता है, उसी तरह अब शॉर्ट का जो है वो 55% यूट्यूब को जाएगा और 45% क्रिएटर को जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो यूट्यूब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो भी चला सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो अपडेट आई है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के वो है यूट सुपर थैंक्स का ऑप्शन। तो दोस्तों लॉन्ग वीडियो में भी आपको यह देखने को मिलता है। तो दोस्तों शॉर्ट्स वीडियो में उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वह रहेगा 70% क्रिएटर को जाएगा और 30% यूट्यूब को मिलेगा। तो दोस्तों यह कुछ बातें थी यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के जो कि यहाँ पर हमने वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर कर दिए। तो अगर आप यूट्यूब टिप्स और यूट्यूब से रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बामणी अर्जुन को जरूर सब्सक्राइब करें।